एक गलत जवाब और 100 अरब डॉलर का नुकसान। क्यों हो गया ना शौक? बड़ी बड़ी कंपनियों को अरबों का मुनाफा भी मिनटों में होता है और नुकसान भी। ऐसा ही कुछ है गूगल के साथ। एक गलत जवाब की वजह से गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट को एक मिनट में 100 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। कंपनी की मार्केट कैप गिरकर 1.268 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। बुधवार को कंपनी के शेयरों में 8% की गिरावट आई थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट की मार्केट वैल्यू को इतना बड़ा झटका लग गया। दरअसल नवंबर 2022 में माइक्रोसॉफ्ट ने ChatGPT चैटबॉक्स पेश किया था। इसे नई सर्च इंजन तकनीक कहा जा रहा था। इसके साथ ही लोग इसे टेक उद्योग की अगली पीढ़ी की खोज के रूप में भी बता रहे थे। ऐसे में इसे टक्कर देने के लिए गूगल ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉक्स बार्ट लॉन्च किया। कंपनी ने इसे प्रमोट करने के लिए एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया था, जिसमें चैटबॉट बार्ट ने एक सवाल का गलत जवाब दिया था और इसी गलती की वजह से अल्फाबेट को 100 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या सवाल था जिसका जवाब इस चैटबॉक्स ने गलत दिया। तो चलिए आपको बताते हैं वो सवाल और जवाब भी। दरअसल इस नए AI चैटबॉक्स बार्ट की लॉन्चिंग के लिए गूगल ने एक इवेंट आयोजित किया था। इसके लिए कंपनी ने एक विज्ञापन भी जारी किया था। इसमें एक व्यक्ति ने बार्ट से सवाल पूछा, मैं अपने 9 साल के बच्चे को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की किस नई खोज के बारे में बता सकता हूँ। बार्ट ने इसका 2 जवाब दिए। बार्ट का आखिरी जवाब गलत था। बार्ट ने जवाब में लिखा, इस टेलीस्कोप से हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी भी ग्रह की पहली तस्वीर ली थी। ये गलत जवाब था। नासा के मुताबिक साल 2004 में यूरोपियन एडवांस टेलीस्कोप ने स्पेस के एक्सोप्लैनेटरी सडन ऑब्जर्वेटरी के सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों की फुटेज ली थी। बता दें, बार्ट चैटबॉक्स के इस गलत जवाब से अल्फाबेट के शेयरों में लगभग 9% की गिरावट दर्ज हुई है और नैसडैक पर कंपनी के शेयर गिरकर 99.5 डॉलर पहुंच गए, जबकि इसके उलट माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में बुधवार को 3% की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ChatGPT में अरबों रुपए का निवेश कर रही है। एक तरफ जहां माइक्रोसॉफ्ट के ChatGPT को नई इनोवेशन माना जा रहा है, वहीं गूगल के नए चैटबॉक्स बार्ड में खराबी कंपनी के लिए सही तो नहीं मानी जा सकती है और कंपनी में भी अब तक नहीं बताया है कि वो बार्ड को अपने कोर सर्च फंक्शन में कब जोड़ने वाली है। इसके साथ ही एडवर्टाइजर्स के खर्च घटाने के कारण अल्फाबेट के लिए 4th तिमाही भी काफी निराशजनक रही थी। कह सकते हैं कि कंपनी का समय अभी ठीक नहीं चल रहा है। आपकी माइक्रोसॉफ्ट GPT और अल्फाबेट के चैट बॉक्स के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें। और ऐसे ही और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करें।